नमस्कार, मैं आरती बघेल। स्वागत जिंदगी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पिरतला विधानसभा के ग्राम प्याला में जन नायक जनता पार्टी के जिला प्रधान ठाकुर राजा राम ने मुख्य अतिथि के तौर पर केडी क्रिकेट एकेडमी का रिबन काटकर उद्घाटन किया। क्रिकेट के खिलाड़ियों ने ठाकुर राजा राम को पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया और 12 गांव से आए हुए सरदारों ने उनका पगड़ी बांधकर स्वागत किया। ठाकुर राजा राम की माने तो वहां पर उपस्थित खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने युवाओं के लिए जो वादे किए थे वह सभी वक्त रहते पूरे करेंगे। इस मौके पर जिला प्रधान महासचिव राजेश रावत, एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष पहल सिंह व 12 गाँव के पंच व सरपंच सहित लोग मौजूद रहे। हमारे नरेंद्र नाम का युवक एक जज के तौर पर नियुक्त हुए। हमारे इन सभी कामों की एक मिसाल है। मेरी युवाओं से विनती है, प्रार्थना गुजारिश है कि हमारे युवा साथी, हमारे बारह का, हमारे पिरतला क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करें। विशेष तौर पर सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान की सीमाओं पर हमेशा हरियाणा प्रदेश के नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, चाहे सोतई गांव हो, चाहे छैसा गांव हो, चाहे कोरादी गांव हो। कारगिल युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा 20 और 25 साल की उम्र के हमारे युवाओं ने कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज हमारी सरकार है, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारी पार्टी के युवा नेता आपके हम जिन्होंने 25 साल 6 महीने की उम्र में हिसार से जनता के सहयोग से एमपी बनकर दिखाया। उन्होंने पूरे 5 साल जनता की समस्याओं को संसद के अंदर, उनको पूरे इंडिया के अंदर और विदेश के अंदर सारे नॉवलों में छपा। सरपंच साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बुद्धिजीवी, सारी बात जानते हैं। उनकी एक सोच है, उसन जी की एक सोच है कि हमारा प्रदेश के युवा किस तरह खेलों में, नौकरियों में, जब कोई किसी किस्म का हमारे युवाओं का कोई भी किसी तरह का कार्यक्रम है उसमें हमारे युवा सबसे आगे रहे। और पार्टियां कहती थी कि युवाओं को 75% नौकरियां कहां से देंगे। दुष्यंत जी ने 75% नौकरियों को कानून का रूप दिया और विधानसभा के अंदर उनको पास करवाया। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, गवर्नर साहब के साइन होने बाकी हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे कंपनियां, हजारों कंपनियां हैं, आईएमटी जोन, दूधौला जोन, पिरतला जोन, हजारों कंपनियां हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां हमारे युवाओं की रहेंगे, क्योंकि हमारे डिप्टी सीएम साहब की एक सोच है। उनके परदादा जी आदरणीय हैं, चौधरी देवीलाल जी, वो 36 बरादरी के नेता रहे। उन्होंने किसान मजदूर कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हमारी पार्टी के जजपा के संस्थापक आदरणीय मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी, उन्होंने पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया, अपने दादाजी का नाम रोशन किया। उनमें सबसे बड़ी कला है, बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, वो हमेशा सबका सम्मान करते हैं। उन्हीं के साहबजादे हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम और मुख्य तौर पर सारा कार्यभार देखते हैं आदरणीय दुष्यंत जी। तो मेरी आप सबसे ये अपील है, प्रार्थना है, सब एकजुट होकर, युवाओं पर देश निर्भर है। अकेले की बात आई, इसको मैं पूरा प्रयास करूंगा। सरपंच साहब ने बात रखी है, मांग रखी है कि 4 किले में आदरणीय राजपाल जी ने, मैं तो बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ, कई साल से दे रखी है युवा बच्चों को खेलने के लिए। तो मैं प्रयास करूंगा इसको विधिवत तौर पर स्टेडियम के रूप में,
और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक सारी टीम, हमारे पार्टी के जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरे भाई चौधरी प्रहलाद जी, भाई रामदेव जी, प्रधान महासचिव भाई राजेश रावत जी, हमारे बड़े भाई सरपंच साहब सागरपुर से, सारी सरदारी आस पास के गांव से आए हो सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका मैं तो सेवक हूँ, आपके बीच में हूँ, 35 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई बनावट भारी बात है, मेरे को सब जानते हैं, मैं तो जैसा हूँ अपनी किताब है, मेरे को जो मान सम्मान दिया